वाले ने पूछा कि कहाँ जाना है आपको, तो मैंने भैया नहीं बोला नीति जाना है, मैं कहा नीति तो वो फिर पूछेंगे कि भाई गांव में कोई है नहीं तो तुम करने क्या जा रहे हो, तो मैंने बोल दिया उससे पहले जो मंदिर है ना वहीं तक जाना है बस। तो कह रहे मंदिर से पक्का वहीं तक जाना है, मैंने कहा हाँ आई डी लाए हो अपनी, मैंने कहा आई डी लाया हूँ तो आप चेक कर लो, कह रहे ठीक है कब तक आओगे, मैं कहा जितना भी टाइम लगे फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, तो इस टाइप से चला गया। फिर तो फिर आगे आया ये मलारी गांव जहाँ पे खुबानी के सेब के इन सब के बगीचे थे पूरे में, तो गांव बिल्कुल सुनसान एकदम। तो वहाँ मैं थोड़ा रुका फोटोग्राफी की 5-7 मिनट, अच्छा लग रहा था, पुराने गांव थे ना वो तिब्बती से जिनसे व्यापार चलता था उन लोगों का गाँव था वो। तो एक बंदा आया निकल के, फिर मैं कहा जी यहाँ कोई रहता नहीं है, कह रहे नहीं अभी सब नीचे अभी आने शुरू होंगे धीरे धीरे लोग अप्रैल में। तो फिर एक बाबा और मिल गए, उनकी दुकान थी, उन्होंने दुकान खोल ली थी अपनी, वही पुराने देवदार के लकड़ों के बने हुए घर और पत्थरों के इस टाइप से थे। तो फिर वहाँ रुका, उससे आगे फिर एक गांव आया था ये घस्तोली गमशाली, गमशाली था, गमशाली में कोई नहीं था, एक भी बंदा नहीं था, नीति में भी कोई नहीं था, बस एक लेबर फैमिली थी। खड़ लीजिए बात खड़ लीजिए। तो नीति में कुछ बन रहा था शायद, बाकी इस बीच कुछ नहीं मिला। आर्मी की एक ITBP की एक चेक पोस्ट थी, तो जब मैं जा रहा था तो एक 4-5 लोगों की टीम थी ITBP के, वो लोग कहीं ट्रैकिंग पे जा रहे थे ऊपर, तो वो पुल के पास वो अपना सामान वाल सेट कर रहे थे। तो ये सारा मामला था वहाँ पर। तो मौसम ऐसा था कि पहले तो धूप थी गमशाली के आसपास और मौसम साफ था, लेकिन हवा बहुत तेज थी। उसके बाद जब नीति पहुँचे तो मौसम बदल गया एकदम और भयंकर ठंड वाला हो गया, जैसे अभी बर्फ बर्फ पड़ने लगेगी। कितना टेम्परेचर होगा बर्फ, मतलब वो ऑलमोस्ट फ्रीजिंग पॉइंट? बर्फ सारे में थी। अच्छा सारे में थी ऑलरेडी? ऑलरेडी थी, कुछ रोड पे भी थी, कीचड़ हो रखा था जिसका पिघली भी थी और उंगलियां बिल्कुल सुन्न हो रही थी, ग्लव्स नहीं उतारे जा रहे थे, मतलब उतारो तो थोड़ी देर में ही सुन्न हो जा रही थी कि पहनना ही पड़ेगा आपको, इस टाइप से था। आप दिल्ली से कब निकले थे? दिल्ली से तो 5 दिन हो गए पहले। 5 दिन का पूरा टूर है ये? हाँ नहीं, आप अगर नीति जाना है आपको तो जोशीमठ पहुँच जाओ। अच्छा। तो जोशीमठ से सेम डे आप अप डाउन कर सकते हो, जोशीमठ से नीति और नीति से जोशीमठ। हाँ क्योंकि स्टे करने के लिए कुछ नहीं है ना, रुकने भी नहीं देंगे हमें। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ एक चेक पोस्ट मेरे ख्याल से लास्ट जो भी है, तपोवन से ऊपर रुकने में फायदा भी नहीं है और रुक भी नहीं पाएंगे हम लोग। ITBP का है वो पूरा कंट्रोल में, आर्मी भी है, आर्मी भी है, आर्मी भी है वहाँ पे। अच्छा, दोनों चीज़ें। तो वहाँ पे इससे ऊपर फिर नीति से ऊपर एक रोड जाता है, तो वो ऊपर आर्मी जो अपना तिब्बत बॉर्डर तक जाता है, तो वहाँ हम लोग। नाम क्या बताया आपने? नरेंद्र ग्रेवाल। नरेंद्र ग्रेवाल? ग्रेवाल जी। तो यू आर फ्रॉम दिल्ली? यस। ओके, क्या करते हैं? मैं ऐसा फिटनेस ट्रेनर हूँ। फिटनेस ट्रेनर हूँ मैं। अच्छा, जिम और योगा ट्रेनर हूँ। ओके। और गो हिमालय टीम में मैं एडमिन मेंबर में भी हूँ। हाँ उसमें तो होंगे ही होंगे। तो ये कौन सी बाइक है आपकी? यामा सर, FZ है। अच्छा। हाँ, यामा FZ। अभी हमारे वो एक वो ग्रुप है यहाँ घुमकड़ी जिंदाबाद। हाँ। उसके पर वो बहस चल रही थी। हाँ। डिस्कवर वर्सेस वो बुलेट वाली, वो अजीत वाली और वो उन सब की। हाँ, हाँ। वो मैं पढ़ता रहता हूँ, वो एक जगह नहीं चलती, वो कई जगह चलती है, वो होता है। तो मेरे पास तो इनफील्ड भी है एक वो फकड़ घुमकड़ी को लेकर चलती रही, 0 बजट, उसको लेकर बहस बहुत होती है। मेरे पास इनफील्ड भी है लेकिन मैं ये ज्यादा थोड़ा लाइट वेट है ना। हाँ, तो कहीं फंस जाए तो उठा के रख लो थोड़ा सा खिसका लो। अच्छा, आप हमेशा सोलो ही चलना पसंद करते हैं? ज्यादा तो सोलो ही, मैं किसी का वेट नहीं करता कि कोई चलेगा या नहीं चलेगा। मेरे एक दो पार्टनर हैं पुराने, मेरे स्कूल फ्रेंड है, चलना है। हाँ भाई। हाँ। भाई मैं तो चलो, मेरा साथ ऐसा है ना कि मेरा जैसे ही मौका लगा कि ये छुट्टी मिल सकती है मुझे 1 या 2-3 तो तुरंत भाग लेता हूँ, ऐसा कोई प्री प्लान नहीं होता मेरा। नहीं अच्छा, तो ये बस इतना सामान है आपका? बस यही है। बस यही है बस वो स्लीपिंग बैग वगैरह कुछ नहीं कुछ। तो फिर रात को कहीं बाहर ही वैसे रुकते हैं किसी के, जो भी जाए मैं रिक्वेस्ट कर लिया। हाँ, जहाँ जो इंतजाम हो जाए। हाँ, 100-200 रुपये वाला कोई भी रूम दे देगा। ओके ठीक है। मैं तो ऐसा ही है, पकड़ो जैसा ही है मेरा तो। हाँ। मैं तो किसी मंदिर में चला जाऊँ, बाबा जी के पास वहीं सो जाऊँगा। ठीक है, एक कम्बल दे दूँगा। एग्जैक्टली वो पकड़ घुमकड़ी है। इनका YouTube पे तो आप कहीं लिखते भी हैं अपने वो या वीडियो वगैरह कुछ? लिखता तो मैं Facebook पे थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ। अच्छा, ज्यादा इतना टाइम ही नहीं मिलता मेरे काम से कि मैं लिखूं भी। YouTube पे मेरा अच्छा घूमने का टाइम मिल जाता है, लिखने का टाइम नहीं मिलता। घूमना पूरा डेडिकेशन से, शौक की बात है। घूमना पूरा डेडिकेशन से। YouTube पे है, YouTube पे सारी वीडियोस हैं। अच्छा, YouTube पर वीडियोस बनाते डालते रहते हैं। हाईवे राइडर दिल्ली के नाम से मेरा चैनल है। अच्छा, हाईवे राइडर दिल्ली। हाँ ओके। तो हाईवे राइडर दिल्ली डालेंगे तो हाईवे राइडर आएगा। ठीक है, तो उसमें नरेंद्र ग्रेवाल मेरे चैनल मिल जाएगा, मेरी शक्ल से भी पता चल जाएगा। पता चल जाएगा, पता चल जाएगा।
और बाकी मेरे लगेज में मेरा बेसिकली ना एक कैमरे का बैग तो फिक्स होता है। कौन सा कैमरा यूज करते हैं? 80D है, कैनन 80D। अच्छा, कैनन। तो बेसिकली 135 वीडियो तो मोबाइल से ही। GoPro भी है। अच्छा, GoPro भी। हाँ, GoPro है 07 और माइक है, रोड वगैरह का यूज कर लेता हूँ और बाकी फोन से भी कर लेता हूँ फोटोग्राफी। तो जैसा माहौल मिल जाता है वैसा, हाँ, बस फटाफट वैसे से ही बना ली। बाकी अपना रास्ता जो है गूगल, ये गूगल मैप से ढूंढते हैं सारा। हाँ, गूगल मैप से अगर आप किसी को ये चीज़ बता रहे हैं, आप जिस भी एरिया में जा रहे हैं तो आप हर जगह नेटवर्क नहीं। जैसे अभी मैं 2 दिन बाद नेटवर्क जोन में आया था। हाँ, तो क्या करना है आपने उसको ऑफलाइन डाउनलोड कर, एक पर्टिकुलर एरिया आप सेलेक्ट कर लो कि इतने एरिया में जाना है, वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, थोड़ा रिसर्च करके जाओ उसके बारे में। अच्छा, जब नेट न चल रहा हो तो आपकी GPS तो तब भी चलता रहता है ना, आपकी लोकेशन सर्विस उतना साथ नहीं देता वो। आपको गूगल ऑफलाइन है तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि आप यहाँ पर हो, हम कहाँ पर हैं, क्योंकि आजकल तो हर जगह कहीं ना कहीं छोटे मोटे बोर्ड लगे ही है। हाँ, नहीं, लोकेशन शेयरिंग वाला जो मामला रहता है अपनी, वो नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। अगर आप ऊपर जाओगे, जैसे नीति वाले रूट पे मैं गया था, तो वहाँ सिर्फ BSNL और जियो ही काम करता है। जियो भी नीति में जो नेपाली फैमिली थी मेरे को मिले थे, वो बाइक से जा रहे थे घमशाली गांव की, घमशाली में एक जगह नेटवर्क आएगा वहाँ पे बात हो सकती है, तो वो वहाँ से करीब 2-3 किलोमीटर है घमशाली। तो आपको ये वैसे बीमारी कब से लगी है? बीमारी तो पुरानी है, स्कूल टाइम के बाद 2015 में मैंने पास आउट कर लिया था, तो 2-3 साल बाद घूमने लग गया था, लेकिन तब ये फोटोग्राफी वगैरह नहीं करता था, बस बैग उठाया घुमाया कहीं। फिर मैंने कैमरा लिया 1100D 2011 में। अच्छा, तो कैनन के फैन हैं जी। ओके, तो 4-5 साल उसी से फोटोग्राफी की, फिर उसके बाद पता चला कि यूट्यूब पे वीडियो भी डालते हैं, नहीं तो वीडियो भी बना लेता था पहले, बट वो इस पर्पज से नहीं थी कि ऐसे डालनी है। ठीक बात है। फिर वो 2017 में मैंने वीडियो डालनी शुरू की। ओके, कितने सब्सक्राइबर हो गए? करीब 24,000 के आसपास। 24,000 हैं। हाँ, तो कुछ वो इसलिए है कि बहुत रेगुलर नहीं हूँ, क्योंकि नहीं, मगर वो एक्चुअली में अगर आप बड़ा डिफिकल्ट टाइप का कुछ वर्क करेंगे ना, हाँ, तो लोगों को इंटरेस्ट भी आएगा। हाँ, आप मसूरी दिखाने लगो तो उसमें मैं गया ही नहीं हूँ। मसूरी मसूरी देहरादून कभी गया ही नहीं हूँ। मेरे एक फ्रेंड था जो कि वो, मैंने उससे पूछा कि शिमला जाना है, हाँ, उसका रास्ता, हाँ, बोला मैं तो कभी नहीं कहूँगा कि शिमला जाओ। मैं भी नहीं किसी को बोलता, कुल्लू मनाली शिमला नैनीताल, मैंने बोलता ही नहीं किसी को कि आप जाओ। वो बोला मुझे तो कोई फुली पेड ट्रिप दे, ऊपर से 10,000 रुपये दे, तब भी ना जाऊँ। इस बारे में मेरे दोस्त कई बार मेरा मजाक भी उड़ाते हैं, मेरे सर्कल में बहुत ज़्यादा घूमने वाले हैं नहीं, और बाइक पे तो बिल्कुल नहीं है। उनको चलना होता है झुंड में कि 4-5 इकट्ठे होंगे, हाँ बोलेंगे तभी चलेंगे गाड़ी लेके। ठीक है, अब वो मैं बोला कि भाई चलो भाई बाइक पे, अरे नहीं भाई, उसके लिए ना ये जो बम है ना, ये लोहे के चाहिए, हम तेरे साथ नहीं जा सकते। अच्छा, मतलब बाइक पर तो आप अकेले चलते होंगे नेचुरली? हाँ, अगर कोई साथ चल रहा है तो अपनी बाइक पे होगा वो। कई साल पहले मेरी वाइफ घूम लेती थी साथ में, सैडल बैग्स होते थे साथ में, बुलेट थी। अच्छा, अभी भी है बुलेट, लेकिन उसको लेके नहीं जाता हूँ ज़्यादा बाहर, तो तब वो साथ में बैठ लेती थी। अच्छा, वो सब लोग खुशी खुशी आपको जाने देते हैं? हाँ, मैं सची में है। हर चीज के लिए कुछ ना कुछ सेटलमेंट करना पड़ता है आपको। हाँ, कुछ कुछ तो इधर से एक हाथ दे एक हाथ ले, ऐसे होता है। तो ये है सारा मामला। बाकी सोलो चलने में ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पीछे वाले को ना बहुत परेशानी होती है। हाँ, लॉन्ग रूट पे बेशक आपने बैक, आपका बैलेंस भी उतना अच्छा नहीं रहता, मुझे तो रहेगी रहेगी, बट पीछे वाले की कमर की बैंड बच जाएगी, इसलिए बेटर है कि सोलो ही चलो। ठीक बात है। फिर खैर, बहुत मजा आया आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच। और ये तो बाई चांस एक मुलाकात है, और ये भी आपके साथ, ये अभी आया आपके साथ ही आया? नहीं नहीं, ये 10 मिनट पहले सर लेके आए। ओके, ले आए। तो ये तो हम इकट्ठे जाने वाले थे भाई। हाँ, ये इकट्ठे। ओके, तो आपके बारे में तो मुझे पता चल गया था कल फेसबुक पे, मैंने शाम को मैं जब नेटवर्क जोन में आया तो मुझे पता चली थी एक पोस्ट डली है। मैं भी लाइफ में कभी जंग से कभी निकला नहीं हूँ अकेले, और बस कार उठाई और चल पड़े, इतनी हिम्मत है बस, इससे ज्यादा नहीं। मगर सुबह सुबह ये लेके जा रहे थे एक जगह, तो वहाँ पर बहुत संकरा सा था, इधर खाई इधर। अच्छा, तो ये तो फटाफट निकल गए। हाँ, इन्हों तो अब मुझे कहा जाओ, मैंने कहा मेरे बस का नहीं है, मैं वहीं से वापस हो लिए, अबॉर्ट कर दिया प्रोग्राम। और इन भराल में ज्यादा अंतर नहीं है, भराल क्या होता है ना, ऐसे चट्टान होती ना, तो ऐसे ऐसे भी निकल जाता है ऐसे, 70 डिग्री पे भी ना। हाँ बिल्कुल, ये लोग निकल लेते हैं, मुझे तो मुझे घर से भी ये वायदा करके आया हूँ कि सिंगल पीस आऊंगा लौट के। बिल्कुल। ओके चलिए सर, थैंक यू सो मच।